सो हे गाइस, आई वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 13 की शुरुआत में हम तैकिन को देखते हैं, जो कि मीना को हक करते हुए कहता है कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी स्पेशल फैन हो, एंड देन काफी ज्यादा हैप्पी होता है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर किम को गोमिनम की फोटो मिल जाती है, जो कि गलती से नीचे गिर गई थी। एंड उस फोटो को देखते ही फाइनली यहाँ पे रिपोर्टर किम को भी पता चल जाता है कि गोमिनम एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। देन नेक्स्ट सीन में हम रिपोर्टर किम को ए एंजल की बिल्डिंग में देखते हैं, जहां वो उन सभी को तीनों फोटोज दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि ये तीनों लड़कियां एक ही हैं, तो प्लीज आप मुझे जल्दी बताइए कि आखिर ये है कौन। तो जिस पर मैनेजर उन्हें बताते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि गोमिनम की ट्विन सिस्टर है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे शिनवू मीना को लेकर आता है, जिसे देखकर रिपोर्टर किम थोड़ा हैप्पी होते हैं तो थोड़ा शॉक्ड। देन नेक्स्ट सीन में हम मीना एंड शिनवू को साथ में बाहर देखते हैं, जहां शिनवू फिर से मीना को इनडायरेक्टली अपनी पूरी स्टोरी बताता है, क्योंकि उन दोनों को काफी सारे रिपोर्टर्स के सामने इंटरव्यू देने के लिए एक लव स्टोरी बनानी थी। बट यहां पे भी मीना शिनवू के किसी भी बात को समझ नहीं पाती। शिनवू कहता है कि जब रिपोर्टर्स हमसे पूछेंगे कि हमारा फर्स्ट केस कब हुआ था, तब हम क्या कहेंगे, जिसे सुनकर मीना वॉज लाइक मना कर देंगे और क्या। तो शिनवू कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर उन रिपोर्टर्स को हमारी बातों पे भरोसा नहीं होगा। एंड फाइनली यहाँ पे शिनवू एंड मीना का फर्स्ट किस होता है, बट इनडायरेक्टली। सेम नाइट जब तैक्यूंग अपने फैन क्लब की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि मीना ने भी उसके फैन क्लब को ज्वाइन कर लिया है। तैक्यूंग मीना से मैसेज करते हुए कहता है कि अगर आपको हमारे फैन क्लब को ज्वाइन करना है तो फिर आपको एक टेस्ट देना होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि आप तैक्यूंग को कितना जानती हैं, जिसमें से मीना तैक्यूंग को 10 में से 7 पॉइंट्स देती है, जिसे देखकर हमारा तैक्यूंग वाज लाइक ओनली 7, क्या उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर वो जानना नहीं चाहती। मैंने तो सोचा था कि कम से कम वो मुझे 9 पॉइंट्स तो आराम से देगी, बट यहाँ देखो 7 पॉइंट्स मिले हैं मुझे। तैक्यूंग अपने आप से कहता है कि अच्छा चलो मैं मीना से पूछता हूँ कि आखिर मैं कितना कूल हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में वो मुझे काफी अच्छा नंबर देने वाली है, बिकॉज वो हमेशा मुझसे कहती रहती है कि ह्यूंगनिम यू आर सो कूल। बट बेचारे हमारे तैक्यूंग का पोपट तो तब होता है जब मीना उसे 10 में से 5 पॉइंट्स देती है, और ये सब देखकर हमारा तैक्यूंग वाज लाइक अरे पागल हो गई है क्या, 5 पॉइंट्स क्यों दिया मुझे। जिसके बाद वो काफी गुस्से में आकर मीना से अगला क्वेश्चन पूछता है, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स मिलते हैं, और ये सब देखकर हमारा तैक्यूंग वाज लाइक गजब बेइज्जती है। वेल, ऐसे ही हमारा तैक्यूंग मीना से क्वेश्चंस पूछता जाता है, एंड हमारी मीना भी बिल्कुल उसी तरह कभी उसे 7 पॉइंट्स देती है तो कभी 4 एंड कभी 2। वेल, 2 पॉइंट्स देखकर हमारा तैक्यूंग वाज लाइक क्या मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये 2 ही है। वेल, काफी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट तैक्यूंग डिसाइड करता है कि अब वो मीना से सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन पूछेगा, और आखिरी क्वेश्चन ये था कि आखिर आप हुआंग तैक्यूंग को कितना ज्यादा पसंद करती हैं। वेल, जैसे ही मीना अपने पॉइंट्स को सेंड करती है तो हमारा तैक्यूंग काफी ज्यादा डरते हुए उसे देखता है। बट गाइस, इस बार पॉइंट देखने के बाद तो भाई बंदे के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, बिकॉज मीना ने उसे 10 में से 100 पॉइंट्स दिए थे। वेल, काफी ज्यादा हैप्पी होने के बाद एट लास्ट तैक्यूंग मीना को मैसेज करते हुए कहता है कि मिस गोमिनम फैन मीटिंग होने वाली है तो प्लीज आप जल्दी मुझसे मिलने आइए। वहीं दूसरी तरफ तैक्यूंग की मॉम मीना के डैड के लिखे हुए सॉन्ग को सुनते हुए कह रही होती है कि ये सॉन्ग तुमने मेरे लिए लिखा था, ना कि अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया है और किसी से नहीं,
द नेक्स्ट मॉर्निंग मीना की बुआ जी मीना को तैक्यूंग की मॉम से मिलाने ले जाती हैं। मीना जब तैक्यूंग की मॉम से अपने मॉम के बारे में पूछती है तो वो उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारे मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तैक्यूंग की मॉम जैसे ही मीना को टच करती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन अपने आप से कहती है कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है, क्योंकि जब भी मैं इसके भाई के कान को टच करती थी तो वो हमेशा मेरे हाथ को अपने कानों से दूर कर देता था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं उसके ईयर्स को टच करूं। और इसी वजह से मैं बचपन में इन दोनों को पहचान पाती थी कि आखिर कौन सा बॉय है एंड कौन सा गर्ल। मीना जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो तैक्यूंग की मॉम उसे अपने ड्रेस के जिप को बंद करने के लिए बोलती है एंड यहाँ पे उनका शक यकीन में बदल जाता है कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है, क्योंकि अगर ये बॉय होता तो फिर ये किसी भी हाल में मुझे टच नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम यूहेई को देखते हैं जो कि उन तीनों को अपने लिए खाना बनाने के लिए बोलती है, और जब भी उनमें से कोई भी यूहेई के काम को करने से मना करता है तो वो उन तीनों को गोमिनम की धमकी देती है, जिसे सुनने के बाद तो उन तीनों का रिएक्शन देखने लायक था, स्पेशली हमारे जेरेमी का। आफ्टर दैट वो चारों साथ में फोटोज भी क्लिक करते हैं, बट फोटोज के क्लिक होते ही वो तीनों यूहेई से दूर हो जाते हैं। वेल, जब वो तीनों यूहेई के लिए खाना बना रहे होते हैं तो यूहेई उन तीनों की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है, जिसे देखकर हमारा शिनवो वॉज लाइक ये लड़की सच में बीमार है। यूहेई तैक्यूंग के पास जाकर कहती है कि उप्पा क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? तो जिस पर तैक्यूंग कहता है कि क्या तुझे दिख नहीं रहा कि अभी मेरे हाथ में क्या है, सो प्लीज मुझसे दूर रह। वेल, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एट लास्ट वो तीनों यूहेई के लिए मिलकर नूडल्स बना ही लेते हैं। हेई जेरेमी से कहती है कि देखो जेरेमी, जब मैं खाना खाऊंगी ना तो प्लीज क्या तब तुम मेरे लिए फोटोज क्लिक कर दोगे? जिसे सुनकर हमारा जेरेमी वॉज लाइक जी बिल्कुल। शिनवू जेरेमी से कहता है कि आज का नूडल्स हमारी यूहेई को हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें भर भर के नमक मिलाया है। जिसे सुनकर हमारा जेरेमी वॉज लाइक अरे आपने भी, क्योंकि मैंने भी मिलाया है, बट नमक नहीं शक्कर, की सुगर। एंड आखिरी में हमारा तैक्यूंग कहता है कि मैंने भी इसमें कुछ मिलाया है। हेई जैसे ही नूडल्स को टेस्ट करने वाली होती है तभी वहाँ पे मीना आ जाती है, जिसे देखते ही उन तीनों का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो तीनों अपने आप से कहते हैं कि गो मीनम, क्या तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? वेल, उन तीनों के फेस का ऐसा रिएक्शन देखकर यूहेई भी सब कुछ समझ जाती है एंड देन जानबूझकर मीना को वो नूडल्स खाने के लिए बोलती है। यूहेई मीना को वो नूडल्स खिलाने ही वाली थी कि तभी जेरेमी मीना को दूर करते हुए कहता है कि ये नूडल्स मेरे फेवरेट हैं, दैट्स व्हाई ये मीना नहीं बल्कि मैं खाऊंगा। और यहाँ पे तो जेरेमी के साथ साथ उन दोनों मेंबर्स का भी रिएक्शन देखने लायक था। वेल, नूडल्स को टेस्ट करने के बाद जेरेमी तैक्यूंग से कहता है कि बड़े भाई, क्या तुमने इसमें विनेगर मिलाया है? जिसे सुनकर हमारा तैक्यूंग वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे तैक्यूंग ने उस नूडल्स में एक चम्मच नहीं, दो चम्मच नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक बॉटल विनेगर डाल दिया था। शिनवू तैक्यूंग से कहता है कि हम जेरेमी के इतने बड़े सैक्रिफाइस को बर्बाद नहीं करना चाहते, जिसके बाद वो सभी मिलकर अगेन खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तीनों एक्टर नहीं बल्कि मास्टर शेफ हैं। वो सभी जब खाना खा रहे होते हैं तो यूहेई नोटिस करती है कि शिनवू मीना को ही देख रहा है। यूहेई जब शिनवू के कार में सैंडल्स को रखा हुआ देखती है तो वो उन्हें जानबूझकर मीना को पहना देती है, बिकॉज उसे पता चल चुका था कि शिनवू मीना को पसंद करता है, जिसे देखकर शिनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड पहली बार वो सभी के सामने काफी ज्यादा एम्बैरस्ड फील करता है। जेरेमी शिनवू को ऐसे देखकर कहता है कि बड़े भाई, तू ठीक तो है ना? तो जिस पर शिनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल, एंड देन गोमिनम से कहता है कि प्लीज तुम मेरे लिए इन सैंडल्स को बाहर फेंक दो। वही तैक्यूंग काफी गुस्से में आकर यूहेई को वहाँ से बाहर ले जाता है एंड यहाँ पे फाइनली तैक्यूंग यूहेई से ब्रेकअप भी कर लेता है। तैक्यूंग कहता है कि आज से मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ।
बिकॉज अब मैं तुम्हारा नकली VF नहीं बनना चाहता। यूहेई हमेशा की तरह उसे इस बार भी गोमिनम की धमकी देने की कोशिश करती है, बट इस बार तैक्यूंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता एंड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मीना जब शिनवू को सैड देखती है तो वो उससे कहती है कि जब भी मैं सैड होती थी तो आप हमेशा मुझे कम्फर्ट देते थे। दैट्स वाई मैं भी आपको कम्फर्ट देना चाहती हूँ, बट मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा कैसे करूँ। तो जिस पर शिनवू कहता है कि बस तुम मेरे बगल में बैठ जाओ, जिसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। वहीं दूर से तैक्यूंग भी उन दोनों को देख रहा था एंड देन अपने आप से कहता है कि आखिर गोमिनम शिनवू के लिए क्या है, क्या सच में वो हाई हील्स गोमिनम के लिए थी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब तैक्यूंग एंड मीना साथ में होते हैं तो वहीं दूर से तैक्यूंग की मॉम भी उन दोनों को देख लेती हैं। वेल आफ्टर दैट हम मैनेजर शिनवू एंड मीना को साथ में देखते हैं, जहां मैनेजर जानबूझकर उन दोनों को अकेले बुसान भेज देते हैं, बिकॉज उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मीना शिनवू को पसंद करती है। और जैसे ही ये बात तैक्यूंग को पता चलती है तो उसे मैनेजर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ शिनवू फाइनली मीना को प्रपोज कर देता है। शिनवू मीना को प्लेन की टिकट देते हुए कहता है कि मैं पहले जा रहा हूँ, और अगर तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहती हो तो प्लीज थोड़ी देर बाद तुम भी मेरे पीछे आ जाना। देन नेक्स्ट सीन में हम तैक्यूंग को देखते हैं जो कि उसी एयरपोर्ट में हर जगह मीना को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, बट मीना उसे कहीं भी नहीं मिलती। तैक्यूंग जब काफी सैड होकर वापस जा रहा होता है तभी उसे सामने मीना दिख जाती है, जिसे देखते ही तैक्यूंग जाकर उसे हग कर लेता है। तैक्यूंग कहता है कि मीना मैं भी तुम्हें 100 पॉइंट्स देता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।